निधास ट्रॉफी त्रिकोणीय T20 सीरीज में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से उतरेगी। टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतते ही वह फाइनल में स्थान बनाना लगेगी। वैसे भी भारतीय टीम को बांग्लादेश के मुकाबले मजबूत माना जा रहा है। वैसे भारतीय टीम यदि आज मैच हारती है तो किसी भी फाइनल में प्रवेश के रास्ते उसके बंद नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में उसे बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच नतीजे पर निर्भर रहना होगा। नेट रन रेट भी ऐसे मायने में रखेगा। मैच में बांग्लादेश ने टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। 14वें ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट कर खोकर 104 रन है। शिखर धवन 35 रन पर आउट हुए। रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक जोड़ा। तेज न्यूज लाइव की रिपोर्ट। निधास ट्रॉफी त्रिकोणीय T20 सीरीज में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से उतरेगी। टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतते ही वह फाइनल में स्थान बनाना लगेगी। वैसे भी भारतीय टीम को बांग्लादेश के मुकाबले मजबूत माना जा रहा है। वैसे भारतीय टीम यदि आज मैच हारती है तो किसी भी फाइनल में प्रवेश के रास्ते उसके